हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर की एसएसटी का चैप्टर नंबर सेवन, इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू इलस्ट्रेट द स्टेजेस ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। मतलब आप समझ पाओगे कि कितनी स्टेजेस होती हैं इलेक्शन में, कितने प्रोसेस होते हैं, उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने लिए राइट रिप्रेजेंटेटिव, एक सही रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से चूज करोगे, ठीक है। डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक सिटीजन के ऊपर इन डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर, राइट। तो हम ये सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी पिक्चर है जिसमें वोट लिखा हुआ है। वोट क्या होता है, 18 ईयर के जब आप हो जाते हैं तब आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, राइट। सो राहुल इज द क्लास प्रीफेक्ट। राहुल कौन है, क्लास प्रीफेक्ट है। बट नोबडी लाइक्स राहुल एज ही इज रूड and refuses to understand the problem of his classmates. अब राहुल क्या है, प्रीफेक्ट है क्लास का, लेकिन कोई भी उससे पसंद नहीं करता है क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, और वो किसी के भी प्रॉब्लम को जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं करता है। अगर कोई उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि हमने इस वजह से कोई काम नहीं किया है, तो उसको एकदम से रिफ्यूज कर देता है, वो एकदम मना कर देता है कि तुम मतलब कुछ एक्सक्यूजेस बना रहे हो, राइट। सो हाउ कैन हिज क्लासमेट्स हैंडल्स दिस सिचुएशन। तो अब आप खुद सोचो कि उसके जो क्लासमेट्स होंगे, क्योंकि वो क्लास का प्रीफेक्ट है, तो वो किस तरीके से क्या करते होंगे, उस सिचुएशन को हैंडल करते होंगे उसके क्लासमेट्स। कैन दे चूज अ न्यू प्रीफेक्ट, क्या वो नए प्रीफेक्ट को चूज कर सकते हैं। यस दे कैन, कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। दे कैन आस्क देयर टीचर टू लेट देम टू चूज अ न्यू प्रीफेक्ट बाय वोटिंग। वो क्या कर सकते हैं, वो अपने टीचर से बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वोटिंग कीजिए और हम एक अपने लिए एक नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, क्लास प्रीफेक्ट चुनेंगे। ईच पर्सन कैन राइट देयर चॉइस ऑफ अ न्यू प्रीफेक्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम पीस ऑफ पेपर लें और हर एक बच्चे से ये कह दें कि भाई एक पीस ऑफ पेपर निकालिए और आप किस बच्चे को प्रीफेक्ट बनाना चाहते हैं अपनी क्लास का, उसका नाम उस पेपर के ऊपर लिखिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस सारे जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनसे वो सब जितने भी पर्चे हैं, वो पेपर्स हैं, उसको कलेक्ट करिए, फोल्ड करिए और क्या करें आप उसमें से आप ड्रॉ निकालिए। आप ये वाला सिस्टम भी आप कर सकते हैं और उसमें से ड्रॉ निकालिए और जिसके पास, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ड्रॉ ना निकाल कर आपने देखा कि उस पर्चे में कितने ज्यादा, जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा नाम एक बच्चे का लिखा होगा, ठीक है, जे मतलब अलग अलग बच्चों ने जिस एक बच्चे का नाम ज्यादा लिखा होगा वो ही क्या होगा, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा क्योंकि उसके हक में सबसे ज्यादा वोट्स होंगे, उसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे। वोटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल मेथड्स ऑफ चूजिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस। इट इज ऑल्सो द फेयरेस्ट मीन्स एंड एंश्योर्स इम्पार्शियलिटी एंड इक्वेलिटी। वोटिंग जो है एक सबसे अच्छा पीसफुल मेथड है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। फेयरेस्ट मीन्स मतलब सबसे साफ सुथरा मीन्स है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं होने वाली है। द राइट टू वोट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो हमारा राइट टू वोट है कि हम वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक डेमोक्रेटिक इंडिया का। As you learned in the earlier chapters, elections are an important feature of democracy. जैसे कि हमने पहले chapters में भी पढ़ा है कि elections जो हैं वो एक important feature है democracy का। During elections, the citizens of India vote for the candidate of their choice to represent them in the government. अब क्या करते हैं, elections के दौरान क्या होता है, लोग क्या करते हैं, किसी भी एक representative को या अपने पसंद के representative को vote डालकर आते हैं, ठीक है, और उसको सिलेक्ट करते हैं, राइट, उसको सिलेक्ट किया जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस एज वेल। सो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं और किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा, राइट। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्शंस इन इंडिया।
The Constitution of India grants universal adult franchise the citizens of India to the citizens of India. अब जो Constitution of India है उसने universal adult franchise दी थी जितने भी citizens थे इंडिया के उन सबको. This means all citizens above 18 years of age have the right to vote and each vote is equal in value. तो उन्होंने क्या franchise दी थी भाई, जिस कि भी एज 18 इयर्स अबव है, 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का है, उसको राइट टू वोट का हक है, उसके पास हक है कि वो वोट कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, अब इलेक्शंस कितने तरीके से होते हैं. इलेक्शंस इन इंडिया टेक्स प्लेस एवरी 5 years. जो इलेक्शन है इंडिया में हर 5 साल पर होते हैं, अनलेस कॉल्ड अर्लियर. लेकिन ये पहले से ही बताया जाता है कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं. द टू मेजर काइंड्स ऑफ इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया आर, जो दो मेजर टाइप्स ऑफ इलेक्शंस हैं जो इंडिया में होते हैं वो कौन कौन से हैं. जनरल इलेक्शन वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो जनरल इलेक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है कि कौन जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वहां के वो कौन सेलेक्ट करता है, लोकसभा इलेक्ट करती है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट में. And the state assembly elections where representatives are elected to the state legislative assemblies or the Vidhan Sabha. ठीक है, जो कि कहाँ के representatives select करते हैं, state legislative assemblies के. Now election commission of India, election commission of India क्या है? The election commissions of India and independent constitutional body. ये एक अपने आप में एक independent constitutional body है. It is responsible for conducting fair and impartial elections in India. जो कि बहुत ही फेयर इलेक्शंस को क्या करती है, कंडक्ट करवाती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ये किस इसके अंडर क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इसका हेड होता है और वो ही अनाउंस करता है कि इस तरीके से इलेक्शंस को स्केड्यूल किया जाएगा लोकसभा के अंदर ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब भाई इलेक्शंस होते हैं ठीक है, लेकिन इलेक्शन एक बहुत बड़े एरिया में एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ड्रॉन इन अप इन सच अ वे दैट देयर आर एज फार एज पॉसिबल द सेम नंबर ऑफ पीपल इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. कोशिश ये की जाती है कि जो हम एक ग्रुप डिवाइड करें वो इस तरीके से डिवाइड करें कि ऑलमोस्ट इक्वल पीपल हो उस पर्टिकुलर एरिया में ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इलेक्शंस किए जाते हैं. अब अगर किसी एरिया में दे दिया जाए भाई इस एक एरिया में तो 50% रहता है, मैं एक एग्जांपल लेके देख आपको समझा रही हूँ कि आप मान के चलो एबीसी तीन एरिया है हमारे पास राइट. तो हमने क्या कहा कि एबीसी तीन एरिया है. अब तीन एरिया में से हम मान के चले कि भाई ए के पास तो 50 ए जो एरिया है उसमें 50 लोग रहते हैं, बी में 100 लोग रहते हैं और सी में क्या रहते हैं 150 लोग रहते हैं. अब ए बी और सी तीन अलग अलग एरिया थे राइट. लेकिन जब हम इलेक्शन के लिए जाएंगे तो जो ए बी सी होगा तो उसमें तो तीनों में ही अलग अलग नंबर ऑफ पीपल हैं, तो क्या होगा कि जो इलेक्शंस जो जीतेगा उसके चांसेस किसके रहेंगे, जिसमें 150% है, सी वाला जो होगा उसके सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं. तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है, नंबर ऑफ पीपल हमेशा इक्वल रखे जाते हैं जब भी क्या किया जाता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी अलग की जाती है ताकि जब नंबर ऑफ वोट्स डलते हैं तो वो इक्वल रहे. देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड देयर साइजेस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब स्टेट टू स्टेट क्या करता है, ये वेरी भी करता है साइज, ऐसा नहीं है कि सबके बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम तो कभी भी नहीं हो सकते. स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, 19-20 का फर्क जरूर रहता है ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटेड राजस्थान, दो द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैज ओनली 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हाइल डेंसली पॉपुलेटेड उत्तर प्रदेश हैज 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब देखो आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 25 है कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कितनी है, 80 है. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंड्स वन रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाता है, लोकसभा के अंदर जाता है. द वोटर्स हु डिसाइड इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा. अब क्या करते हैं, जो भी वोटर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं वो लोकसभा के लिए क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे बाय वोटिंग.
और या तो वो लोकसभा का अगर इलेक्शन है तो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, अगर विधानसभा का इलेक्शन है तो विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और जो भी इलेक्शन में खड़े हुआ है उनका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा का या फिर विधानसभा का, वो क्या करेगा, वो लोगों को समझाएगा कि वो क्या क्या चेंजेस लाने वाला है, उसको वोट क्यों देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके आसपास भी, क्योंकि वोटिंग का चल रहा है तो उससे पहले बहुत सारे कैंपेन्स निकाले जाते हैं, रैली निकाली जाती है कि भाई हमें वोट दो, हम आपके लिए ये चेंजेस करेंगे, हम आपकी सड़क बहुत अच्छी कर देंगे, हम 24 घंटे लाइट कर देंगे आपके लिए, और पानी की सुविधा बहुत अच्छी होगी, और पीने का पानी भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, वो भले ही इलेक्शन के बाद कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ को टाइम लगता है पूरे होने में, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई आपने आज इलेक्ट कर लिया और अगले दिन ही आपके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लिए सब चीजें एकदम से तैयार कर दे। हर एक चीज में टाइम लगता है, राइट। फॉर द लोकसभा इलेक्शंस देयर आर करंटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब लोकसभा इलेक्शंस की बात की जाए तो लोकसभा इलेक्शंस में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543। तो अब आप यहां देखिए, कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। कैंडिडेट्स कैन रन फॉर इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली और दे कैन रिप्रेजेंट अ पॉलिटिकल पार्टी। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली भी लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, उसके ऊपर रैली निकाल सकते हैं, अपनी एक अलग से एक कमेटी बना सकते हैं, और या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। तो आप पार्टी को, किसी को भी आप क्या कर लो, वो एक जो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ अ शेयर्ड आइडिया ऑफ हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न्ड। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक आइडिया को फॉर्म करती हैं कि किस तरीके से इन किसी भी कंट्री को हम गवर्न कर सकते हैं, मतलब उस पर हमें क्या क्या जो चेंजेस करने होते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जैसे आज हमें यहाँ पर रोड बनवानी है, यहाँ की रोड खराब है, यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है, इसको यहाँ से हटवाना है, ठीक है, और यहाँ इस एरिया में हमें ये चेंजेस लाने हैं, यहाँ पर ये वाला फ्लाईओवर करना है। तो ये क्या होता है, ये सारी एक पूरी मीटिंग बैठती है, उसके बाद ये सारे पेपर वर्क होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, और वहां पर इतना इजी नहीं होता है। हमें लगता है कि ये सब बहुत इजी है, लेकिन इट्स अ वेरी टिपिकल जॉब, और ये सब करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड स्कोप दे कैन बी रीजनल और नेशनल। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं कि भाई हम किस तरीके से कंट्री में काम करेंगे, तो वो उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके स्कोप के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि वो रीजनल लेवल पे हैं या फिर नेशनल लेवल पे। रीजनल मीन्स उस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, नेशनल आप समझ सकते हो कि जो बाहर के एरिया को भी कवर करें। ईच पॉलिटिकल पार्टी has its own symbol and a manifesto. Manifesto का मतलब क्या होता है? Manifesto का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, आपका क्या aim है, ठीक है, तो वो होता है आपका manifesto, that outlines, मतलब जैसे आप कहो कि भाई मैं तो ये काम करूंगा, आपने कोई एक अपने लिए एक tagline बना ली है, that is known as manifesto. And it lists its programs and promises. और जिसमें क्या होता है कि वहाँ पर वो जो promises करते हैं कि भाई हम ये changes करेंगे, हम अगर आपने हमें as a representative of लोकसभा आपने हमें elect कर लिया तो हम आपके लिए ये changes करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपने लिए बताते हैं, और ये उनका क्या होता है, symbols होते हैं, manifesto होता है, ताकि आप उनको वोट दे सको। Political parties put forward a candidate from each of the constituencies. अब जो political parties होती हैं, वो अपना एक candidate देती हैं हर एक constituency को, ताकि वो election में खड़ा हो सके, ठीक है, और क्या कर सके, जैसे कि हम किसके लिए खड़े, जो हम देते हैं voting जो करते हैं, हम कैसे देते हैं, हम MLA के लिए भी voting देते हैं या फिर MP के लिए भी voting देते हैं। Contesting elections form as a prospective MP means member of the parliament, और MLA का मतलब होता है member of legislative assembly. तो हम क्या करते हैं, इन लोगों को votes देते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब recently जब भी vote
होंगे, वोट्स स्टार्ट होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वोट कौन से हो रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के हो रहे हैं या विधानसभा के हो रहे हैं, या आपको खुद से देखना है और अपने पेरेंट्स से पूछना है, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो कि भाई वोटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे होता है और कितने मेंबर्स किसमें होते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज. टू बी कंसिडर्ड अ नेशनल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज टू विन अ मिनिमम 6% ऑफ द वोट्स फ्रॉम 4 और मोर स्टेट्स ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस और द असेंबली इलेक्शंस. अब क्या होता है, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना होता है, 6% वोट्स ज्यादा लेने होते हैं किसे, स्टेट से, लोकसभा इलेक्शन के दौरान. अ रीजनल पार्टी ऑन द अदर हैंड नीड्स टू गेट अ लीस्ट 6% ऑफ द वोट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेट. जो रीजनल पार्टी होती है उसे अपने सिंगल स्टेट से ही 6% के वोट्स चाहिए होते हैं. इसीलिए क्या होता है, एटलीस्ट 2 सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. फाइंड आउट द नेम ऑफ 2 नेशनल एंड 2 रीजनल पार्टीज इन इंडिया. अब आपको क्या करना है, ये आपका काम है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 2 नेशनल और रीजनल पार्टीज इंडिया की आपको देखनी है. ये बेसिकली क्या था, ये स्पॉटलाइट था, मैंने आपको समझा दिया. जो आपका पार्ट है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. अब इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, द इलेक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस होती हैं, मैंने आपको ये बात पहले ही समझाई थी कि कैंपेन होता है, रैलीज होती हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस में ही आता है, एक उसका स्टेप ही है रैलीज का, उसका इलेक्शंस का, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होती है, कैंपेनिंग होती है, देन पोलिंग होती है, देन काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है. पोलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम वोट्स डालते हैं, ठीक है, देन दैट इज नोन एज पोलिंग. काउंटिंग ऑफ वोट्स आपको पता ही है कि जब वोट्स को काउंट किया जाता है और फिर उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है. सो बेसिकली क्या है कि 3 पार्ट्स होते हैं इलेक्शन के, 3 प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज द कैंपेनिंग, देन सेकंड वन इज द पोलिंग, एंड द थर्ड वन इज द काउंटिंग ऑफ वोट्स. अब कैंपेनिंग क्या होता है, इन दिस स्टेज द कैंडिडेट्स ट्राई टू बिल्ड सपोर्ट फॉर देयर पार्टी और देमसेल्व्स. अब इसमें क्या करते हैं, कैंपेनिंग या फिर आप कह सकते हो कि जो रैली निकालते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो खड़े हो रहे हैं, वो अपने लिए सपोर्ट मांगते हैं कि भाई हम आपके लिए ये सब करेंगे. सपोर्ट वो अपने लिए कैसे मांग रहे हैं, भाई वो वोट मांग रहे हैं, बेसिकली सपोर्ट नहीं, वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको, आप जो चाहते हो हम आपको वो देंगे. जहाँ जो कॉमन पीपल है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई सड़कें अच्छी हो जाए, गंदगी ना हो बिल्कुल भी, पानी की सुविधा हो जाए हमें, ठीक है, और लाइट की सुविधा हमारे पास बहुत अच्छी रहे. तो ये जो कॉमन पीपल है वो यही चाहता है. दे डू सो इन अ नंबर ऑफ वेज. अब ये जो है कैंपेन जो है ये बहुत तरीके से निकाला जाता है. दे होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड रैलीज, कॉइन स्लोगन्स एंड रिलीज एडवर्टीजमेंट्स टू द न्यूज़पेपर्स. अब ये बहुत तरीके से कैंपेन कर सकते हैं, रैली भी निकाल सकते हैं, स्लोगन्स लिखकर नारे भी लगा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, टीवी के अंदर. Television and radio shows are also used by political parties to draw the attention of the public to their manifestos and to ask for their votes. अब political parties का main जो एक है कि आप radio और television पे भी आते हैं ताकि वो अपने party के बारे में बता सकें और वो क्या changes लाएंगे जब आप उन्हें elect कर लोगे. तो वो सब चीजें वो radio पर ही और television पर आकर भी आपको बताते हैं और इस तरीके से भी वो क्या करते हैं, campaign करते हैं. कैंपेन हैज टू एंड 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग डे. कैंपेन्स जो हैं वो हमेशा 2 दिन पहले 48 आवर्स पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए इलेक्शन के दिन से, पोलिंग डे से. पोलिंग डे, पोलिंग मतलब जिस दिन आप क्या कर रहे हो, वोट डालकर आ रहे हो, तो उससे 2 दिन पहले तक आपका कैंपेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है. उसके बाद उस 2 दिन के अंदर आप क्या कोई भी कैंपेन नहीं कर सकते, तो उसमें आप कोई भी कैंपेन बिल्कुल नहीं करोगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है. सो नेक्स्ट वन इज पोलिंग. पोलिंग क्या होता है, इन ऑर्डर टू वोट, अगर हमें वोट करना है, ईच सिटीजन अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज नीड्स टू रजिस्टर एज एन इलेक्टर एंड गेट एन ऑफिशियल वोटर आईडी कार्ड इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन. अब भाई अगर आपको वोट देना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि आपको इलेक्शन कमीशन आपको प्रोवाइड करता है. नो वन हैज द राइट टू प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम वोटिंग. और किसी के पास भी राइट नहीं है कि आपको रोक दे, भाई आपकी 18 ईयर ऑफ एज है और आपके पास वोटिंग कार्ड भी है और कोई आपको रोक दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है. पोलिंग स्टेशंस आर इलेक्टेड इन पब्लिक स्पेसेस लाइक लार्ज हॉल्स एंड स्कूल्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या होता है
जो पोलिंग बूथ्स हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं, या तो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल ले लिया जाता है या फिर हॉल्स ले लिए जाते हैं जहां पर, और ये पब्लिक प्लेस पर लगाया जाता है ताकि कोई चीटिंग का मसला ना हो और लोग आराम से आकर क्या कर दें, पोलिंग स्टार्ट कर दें, अपनी वोट्स डाल दें. ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग द इलेक्शन कमीशन आर रिप्रेजेंटेड ईच पोलिंग स्टेशन. जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो वहां के अधिकारी होते हैं, वो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो पोलिंग स्टेशंस पर प्रेजेंट होते हैं और वो वोट्स डलवाते हैं. वोटिंग इज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट. अब एक सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, ये होता है बैलेट, ठीक है. इसमें ना यहाँ पर ये बहुत सारे बटन्स लगे हुए होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, हर एक लाइन में हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसका नाम और सिंबल साथ में होता है. तो हमें जिसके सामने भी लगाना है हम उसको प्रेस कर देंगे बटन को एक बार में. हमें सिर्फ, और जैसे हम वोट डालने गए तो हम सिर्फ एक ही बटन को प्रेस कर सकते हैं, ये नहीं कि हमने सारे या एक दो तीन बटन को प्रेस कर दिया, ऐसा नहीं होता है. तो हमने क्या किया, जैसे मुझे इस नंबर पे क्या करना है, वोटिंग डालनी है, ठीक है. तो मैंने इस वाले बटन को प्रेस किया. जब मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करूंगी, लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या होता है, इस मशीन में क्या होता है, इस मशीन से एक स्लिप जो है, जिसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, वही स्लिप पिक्चर के साथ इसके अंदर गिरती है, ठीक है. इसी के अंदर गिरती है, वो कलेक्ट हो जाती है. तो हम यहाँ से बाहर से देख सकते हैं कि वो स्लिप गिर रही है या नहीं, और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वोट है वो डल गया है और इट इज डन, ठीक है. ये सीक्रेट बैलेट होता है. सीक्रेट बैलेट कैसे कह सकते हैं, ये ओपन में नहीं रखा होता है, ये बिल्कुल चारों तरफ से कार्डबोर्ड से कवर कर दिया जाता है और इसको कोई नहीं देख सकता है. एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन जो वोट डालने जाता है वो ही यहाँ पर खड़ा हुआ होता है, ठीक है. सबसे पहले जब हम वोट देने जाते हैं तो यहाँ पर ये चेक करते हैं अपने पेपर्स में कि हमारा नाम है या नहीं, ठीक है. जब हमारा नाम होगा नहीं होगा उसके बाद वो साइन करवाते हैं, उसके बाद यहाँ पर भेजते हैं हमें. फिर यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपना वोट देते हैं. वोट देने के बाद हम फिर से इनके पास यहाँ पर जाते हैं और ये हमारा इस तरीके से क्या करते हैं, निशान लगाते हैं. और ये जो इंक होती है ये ऐसी इंक होती है जो जल्दी से साफ नहीं हो सकती. अगर आपको दोबारा वोट डालना, चीटिंग करनी है, तब क्या करते हैं लोग, एकदम से क्या कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं. लेकिन तब भी ये साफ नहीं होती है, बहुत ही हार्ड इंक होती है जो कि बहुत टाइम लेती है साफ होने में. तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, वोट डालते हो. However, totally, mostly elections in India are conducting using electronic voting machines or EVMs. इनको हम EVMs ही कहते हैं. The election process is a button on the machine to vote for the candidate. जो मैंने आपको पूरा process समझाया यही होता है और यही सब इसमें लिखा हुआ है. ये होता है secret ballot और ये जो मशीन होती है ये क्या होती है, EVM. EVM मतलब होता है electronic voting machine. Electronic means जो कि electricity से चलती है. वोटिंग मशीन तो आपको पता ही है, वोट डालने वाली मशीन. अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कनेक्टेड है भाई, मैंने यहाँ बटन दबाया, यहाँ से स्लिप निकल के इसके अंदर गिर गई, तो इलेक्ट्रॉनिक से तो है ही, ठीक है. अब चलो हमने वोट डाल दिया, अब हम करते हैं काउंटिंग. भाई काउंटिंग ऑफ वोट्स. वंस द पोलिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द इलेक्शन कमीशन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग वोट्स. अब जैसे ही आपका जो वोटिंग खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होती है, इलेक्शन कमीशन क्या करती है, काउंटिंग स्टार्ट कर देती है. और जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं, जिस कैंडिडेट के पास, वो क्या करता है, विन करता है. और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो खड़ा होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, विन करती है. और हम अपनी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, फिर वेलकम करते हैं, भाई ठीक है हमने ही उसको चुना है, ठीक है. तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा प्रोसेस चलता है. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस. अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इलेक्शन करवाने जरूरी क्यों है ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि इलेक्शंस की जरूरत क्यों है. इलेक्शंस आर द बिग बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी. बैकबोन मतलब हमारी जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, बैकबोन होती है हमारी डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पर हम जो आजादी है, हमें जो आजादी मिली है उसकी क्या है, ये बैकबोन है. दस पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस इज नॉट जस्ट अ राइट ऑफ द सिटीजंस बट आल्सो देयर ड्यूटी. अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट हम कैसे कर रहे हैं, वोट देकर, वो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एक हक है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. अगर गलत रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है तो वो हमारे लिए ही खतरनाक है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो. इलेक्शंस इनेबल द सिटीजंस टू चूज देयर लीडर. हम अपने लीडर को खुद चूज कर सकते हैं अपना वोट डालकर.
ठीक है, तो हम अपने अच्छे अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। और ये कब हो सकता है, जब हम अपने जो एरिया में जो कंट्री में जो क्या हो रहा है वोटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन से एक और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसी ना आए जो हमारे ऊपर रूल करे, हम पर दबाव डाले, तो वो हम तभी हो सकता है जब हम अपनी जो वोटिंग है वो बहुत सोच समझ कर यूज करें, अपने वोट्स को बहुत सोच समझ कर यूज करें, ठीक है, और एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करें वोटिंग में, और उसकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री की हमारी जो स्मूथ फंक्शन चल रही है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द नॉलेज दैट द सिटीजंस हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ इन अ डेमोक्रेसी हेल्प्स कीप द गवर्नमेंट इन चेक। इट ऑल्सो फोर्सेज द गवर्नमेंट टू टेक द ओपिनियन ऑफ द सिटीजंस ऑन द वेरियस इश्यूज इनटू सीरियस कंसिडरेशन स्पेशली व्हाइल फॉर्मिंग इट्स पॉलिसीज व्हाइल फ्रेमिंग इट्स पॉलिसीज। सो अब आप देख सकते हो कि अगर हमने वोट डाला है तो हमने गवर्नमेंट को बनाया है, हम अपनी गवर्नमेंट खुद बना रहे हैं, तो इसका मतलब अब वो गवर्नमेंट जो जिसको हमने बनाया है वो हमारे इश्यूज को सुनेगी, अपने सिटीजन्स के बारे में सुनेगी और उनकी उनको कंसिडर करेगी, ठीक है। तो ये इसीलिए एक ये मेन पॉइंट है कि भाई आप वोटिंग क्यों करते हो। सबसे पहली बात कि भाई हमारे पास हक है कि हम वोट कर सकते हैं क्योंकि हमारी 18 ईयर एज हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई हम अपना लीडर खुद चुनना चाहते हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। और अगर हम अपना लीडर खुद चुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए एक बहुत ही अच्छा और काबिल एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं जो कि हमारी बात को समझे, सुने और हमारे जो इश्यूज हैं उनको कंसिडर करे। राइट नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट रिप्रेजेंटेटिव, भाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एक राइट सही रिप्रेजेंटेटिव को चुनना। सिटीजन्स हाउएवर मस्ट नॉट ओनली वोट बट दे मस्ट वोट वाइजली। हमें सिर्फ वोट नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर वोट करना चाहिए। हमें हर एक के मैनिफेस्टो, हिस्ट्री और प्रोफाइल को बहुत अच्छे से क्या करनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी कैपेबिलिटीज को देखे, उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेबिलिटीज को देखे कि भाई वो हमारी कंट्री के हक में क्या कर सकता है। अगर वो ऑनेस्ट पर्सन होगा, डायनेमिक लीडर होगा, तो वो हमारी नेशन की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर हम एक प्रोग्रेसिव लीडर को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट करेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो एक अच्छा ओहदा पाएगी सब कंट्रीज के बीच में, और जो लोगों को एक राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, जो राइट टू वोट, ये जितने भी ओहदे हैं वो सब एक साथ मिलते हैं तो लोग आसानी से सुख होकर खुशी के साथ रह सकेंगे। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स इन आवर डेमोक्रेसी, अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक सिटीजन की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। अ डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब ये जो डेमोक्रेसी होती है ये पीपल के द्वारा होती है, पीपल के लिए होती है और पीपल के लिए होती है, पीपल से ही होती है। देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी अनलेस द सिटीजंस ऑफ द कंट्री प्ले एन एक्टिव रोल इन द रनिंग ऑफ द कंट्री बाय मॉनिटरिंग द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हमें क्या करना है कि हमें एकदम सतर्क रहना है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, पॉलिटिकली अवेयर रहना है और किसी भी फॉल्स प्रॉमिस में नहीं आना है कि अगर कोई भी फॉल्स प्रॉमिस करे कि भाई हमें इलेक्ट कर लो, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में प्रोवाइड ना करें, तो हमें उनकी झूठी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। तो हमें बहुत ही वाइजली अपने डिसीजंस को लेना होता है। तो ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है वो इंश्योर करे कि जो हम अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, हम एक अपने लिए क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, वो कैसा हो, वो बिल्कुल सही हो और वो क्या हो, किसी भी तरीके से आपके लिए खतरनाक ना हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।